हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज पूरी मार्केट में कहीं ना कहीं आप सभी करेक्शन देख रहे हैं एंड पोर्टफोलियो वाइज ज्यादा बड़ी करेक्शन है एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप केवल इंडेक्स लेवल पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी गिरावट आई नहीं है इतनी सीवियर, बट अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी गिरावट है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर बेस अगर आप मार्केट देखने जाओगे तो वहां पे आपको इनफैक्ट निफ्टी अब पॉजिटिव भी हो चुकी है, मैं तो गिरावट की बात कर रहा हूं। अगर लेकिन अब भी आप अगर ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो निफ्टी स्मॉल यानी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग अभी भी 1% की गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स में भी, एंड ओवरऑल स्टॉक 700 एडवांस है जिसके सामने 1160 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो यही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि ब्रॉडर बेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग अभी भी हो रही है कंटिन्यू। ऐसे में आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज क्या करना है, इसको करनी है लाइक, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए, जो एडवांस और डिक्लाइन का सिलसिला है ये मैंने आपके साथ जो मॉर्निंग में शेयर करी, तब अराउंड 400 शेयर्स केवल एडवांस थे जिसके सामने अराउंड 1400-1380 शेयर्स डिक्लाइन हो रहे थे, अभी तब भी 700 शेयर्स पॉजिटिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की पोर्टफोलियो धीरे धीरे ऊपर हो रही है। अच्छा, ऐसे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ मेटल काउंटर्स के बारे में। मेरी पहली या सेकंड आज की दूसरी वीडियो जो थी वो हिंडाल्को के स्टॉक को लेकर की थी, जहां मैंने आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करी, जहां पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आज के सेशन में एल्यूमिनियम काउंटर के लिए खराब खबर है, लेकिन स्टील स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं एंड ये मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड स्टील स्टॉक्स की तेजी के चलते ये जो खराब खबर आई है एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए, इनमें भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। एंड सेम टू सेम वैसा ही होता हुआ दिखा निफ्टी मेटल यानी मेटल इंडेक्स कहीं ना कहीं डे हाई पे आ चुकी है। एंड अभी की बात करें आप तो लगभग 1% की तेजी आपको मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अगर ऐसे में बात करें टाटा स्टील के स्टॉक की तो स्टॉक आप सभी को 1% तेजी में दिख रहा है एंड स्टॉक में हायर लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी के लेवल के हिसाब से बात करें तो। मैं इसी के बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ, टाटा स्टील और स्टॉक में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन भी है 15 जून को, जो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। 1080 के लेवल्स पे टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है इस टाइम, लगभग 13 रुपए की तेजी है स्टॉक में एंड डे हाई के पास खड़ा है स्टॉक। तो यह आज की सबसे बड़ी अभी तक की तो मेरे हिसाब से खबर है। देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर टाटा स्टील को कंपेयर करें तो 3 के PE पे स्टॉक मिलता है, काफी सस्ता शेयर है, 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। ऐसे में ये स्टॉक आपको काफी रीजनेबल लेवल्स पे मिलता है। स्टॉक के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे आए थे स्टॉक ने, रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंस करा था जो कि काफी बड़ा था, 51 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है जिसकी एक्स डेट 15 जून है। यानी कि अगर आप 15 जून से पहले टाटा स्टील का शेयर खरीदते हो तो 51 रुपए पर शेयर आपको एज अ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन डिविडेंड लेने से पहले अगर डिविडेंड के लिए आप बाय कर रहे हो तो एक चीज बता दूं, 15 जून को स्टॉक में डिविडेंड का प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। अब काफी लोगों के मन में यह भी विचार आता है कि 51 रुपए गिर जाएगा तो क्या फायदा, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 51 रुपीज ही स्टॉक गिरे। हो सकता है स्टॉक ज्यादा गिर जाए, हो सकता है स्टॉक गिरे कवर हो जाए, हो सकता है स्टॉक गिरे ही ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है ये स्टॉक में रिफ्लेक्ट करे आपको 51 रुपीज, लेकिन स्टॉक में डिविडेंड डेट से पहले कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई दिख रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आप सभी के साथ फाइनेंशियल शेयर कर रहा था स्टॉक के, तो फाइनेंशियल शेयर करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ 1,57,000 करोड़ का सेल्स है कंपनी की एंड कंपनी का मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ का, यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स ज्यादा देखने को मिल रही है आपकी, तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है। अच्छा, स्टॉक के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो लगभग 11% का ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.14 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो कोई महंगा शेयर नहीं है, आपको बहुत ही रीजनेबल और सस्ते दाम पे स्टॉक मिल रहा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 33.92% होल्ड करते हैं, FIs 22.74% होल्ड करते हैं एंड
DIIM म्यूचुअल फंड्स 20.21% होल्ड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 23.13% ये होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप सभी के साथ हो गई फाइनेंशियल्स के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं सबसे पहले कि लोगों का कैसा भरोसा है। तो फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में लगभग आप सभी ने 32.50% की डिलीवरी होती हुई देखी है, एंड अगर आप 5 दिन का एवरेज देखें तो 36% की डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, लेकिन अगर आप 30 दिन का देखें तो 30% की डिलीवरी परसेंटेज है। अगर स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टू डे 3% नेगेटिव रिटर्न्स, एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो लगभग 3.5% नेगेटिव है, 6 महीने लगभग 3.5%, 3 महीने में 15% की करेक्शन हो चुकी है, एंड अगर आप एक महीने देखें तो 14% स्टॉक डाउन है। तो स्टॉक में करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, 1500 के पास के 52 वीक हाई है, 1100 के आसपास स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अभी स्टॉक पे चार्ट पे आता हूं और कौन से लेवल्स नेक्स्ट निकल रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक आपका 1150 रुपए तक की जर्नी तय करने के लिए तैयार हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। डिविडेंड का 51 रुपए, उससे पहले मुझे लगता है आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में जो आने वाली है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो मुझे लगता है उसे होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन, जिसके लिए उनके लिए ऐसा होगा मेरी साइड से 1060 के लेवल्स का, एंड स्टॉक में अगर किसी ने फ्रेश बाइंग लेनी है तो 1085 जो अभी आपको 1080 के लेवल्स पे दिख रहा है, 1085 और 1088 के ऊपर निकलने पे आप बाय कर सकते हैं। आपके लिए टारगेट होगा 1120-1140 का, एंड आपके लिए ऐसा होगा 1060 का। तो ये मेरा व्यू बन रहा है टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।